नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है सॉल्वेंटिक, जहां हम बात करते हैं सॉल्वेंट इंस्ट्रक्शन प्लान के बारे में। सिर्फ प्लान के बारे में नहीं, प्रेप के बारे में भी बात करते हैं। आज हम प्रेप के बारे में बताना चाहते हैं। आज का वीडियो प्रेप से रिलेटेड होगा दोस्तों। प्रेप में सबसे पहला आइटम होता है क्लीनर। क्या होता है क्लीनर? सबसे सीधा साधा आइटम, बहुत मेहनती क्लीनर क्लीन करता भाई साहब। ये जो भी हमारा क्या कौन सा क्लीनर, सोया प्रेप की बात कर रहे हैं हम लोग। क्लीनर राइस प्रेप में भी लगा रहता है, हर जगह लगा रहता है। ये हमारा काम क्या करता है, कैसे काम करता है, उन सारी बातों पे बात करेंगे। क्या क्या लगा होता है, किस तरीके से इसमें कार्य होता है, उन सारी बातों को डिटेल से समझिएगा। क्लीनर काम क्या करता है, पहले तो इसके काम लिख लीजिए। बड़ी लकड़ी है, सुतली है जो माल के साथ में आती है, बड़ी लकड़ी हो गई, सुतली और मिट्टी या कोई बड़ा आइटम जैसे आ गया कोई माल के साथ में, कभी कभी बड़े वो भी आ जाते हैं। मतलब इन सब बेसिक चीज़ें जितनी भी होती हैं, लकड़ी है, मिट्टी है, सुतली है और कभी कभी बड़ी लकड़ियाँ आ जाती हैं, कभी कभी बड़े बड़े कुछ पत्थर आ जाते हैं, उन सारी चीज़ों को ये क्लीन करता है। इस मतलब उनको साफ कर देता है। कैसे साफ कर देता है, ठीक है, मिट्टी को कैसे साफ कर देता है, तो इस बारे में ही तो बात करने के लिए आज हमने ये चैनल, मतलब इस चैनल के माध्यम से बताना शुरू किया है। सोया प्रेप का क्लीनर है, इसमें जो है कुछ इस तरह के से, मैं कुछ इस थोड़ी सी ड्राइंग बना लेता हूं। अब देखिए, समझिए बात को, ये क्या है, ये जो लाइन है ये पीछे आपके ब्लोअर में जुड़ी होती है। किसमें? ब्लोअर में, पीछे ब्लोअर लगा रहता है जिसका एयर का दबाव ब्लोअर की तरफ होता है, मतलब ये अपनी तरफ खींचता है। ये हमारी क्या है, पहले माल गिरा कहां, ये ऊपर वाली जाली में, ये अप साइड की जाली है, ये ऊपर वाली जाली है, ठीक है। अप साइड की जो जाली होती है इसमें जो है 8 से लेकर के, या कह दिया जाए 10 से लेकर के 12 mm तक के होल होते हैं। कितने? 10 से लेकर के 12। कौन से? इसमें 10 से लेकर के 12 mm तक के होल होते हैं। कहीं कहीं जहां पर बहुत मतलब ऐसा होता है तहां पर हम देखते हैं कि मतलब 8 mm का भी डाल देते हैं। माल देखिए, ये यहां पर हमारा ब्लोअर जुड़ा हुआ है, ब्लोअर से जुड़ा हुआ है। अच्छा, ब्लोअर से क्यों जुड़ा हुआ है मैं बताता हूं आपको। ये हमारा फीड है जिसमें सीड आ रहा है, ये मतलब यहां से माल आ रहा है, इसमें यहां से कहां आया, इसमें। अब जो है माल जब पहली जाली से आया तो ये 8 से 10 एमएम का है, तो जितना सोयाबीन है आपका, ठीक है, वो आपका इस जाली से छन के दूसरी जाली में आ गया, इसमें नीचे वाली में। अब नीचे जो लो साइड जाली होती है, नीचे वाली डाउन साइड, अप साइड हो गई, डाउन साइड हो गई, है डाउन लिख दीजिए। ये इसका क्या कितना रेशियो था, ये आपका जो है 1.5 to 3 mm तक का हो सकता है, 1.5 से 3 mm के बीच में ये जाली नीचे वाला होता है। अच्छा, इसमें क्या होता है, ऊपर से जब यहां से माल इसमें गिरा, जब गिर रहा है एयर के प्रेशर के द्वारा जो मिट्टी होती है, आपका मिट्टी जो है पीछे खींच ली गई, साइक्लोन में जा गई, साइक्लोन में जो है मिट्टी को रिलीज कर दिया गया। तो मिट्टी जो बारीक पाउडर उड़ने वाला है वो तो आपको डक्टिंग से ऊपर चला गया है ना। अब जो है माल गिरा, गिरने के बाद 8 से 10 mm या 10-12 mm का है, तो आपका सोयाबीन की थिकनेस कितनी, बहुत ज्यादा मोटा होगा तो 6 mm,
पांच छह एमएम का हो गया भाई, इतना मोटा हो गया तो 8 mm का होगा। अब 10 mm की जाली है तो क्या है, तो सोयाबीन तो आपका यहाँ गिरा और गिरने के बाद नीचे वाली जाली में आ गया। जो बड़ा बड़ा सोयाबीन था जब यहाँ से गिरा तो जो बड़ी जाली है 10 या 12 mm की, उससे सीधे नीचे आ गया। कहाँ पे आ गया, नीचे, यहां तक ये नीचे आ गया। अब जो लकड़ी थी बड़ी या बड़े बड़े पत्थर थे वो हमारे इसके ऊपर जाली के ऊपर टहलते टहलते कहां पर आ जाएंगे, ये वाली एक जो है साइड में नाली बनी रहती है बाहर की तरफ, ये यहां से गिरेंगे, यहां से इसमें गिरेंगे और ये बाहर हो जाएंगे। ठीक, अब जो है बड़ी बड़ी लकड़ी सुतली जो भी है 10 mm से ऊपर की चीजें होंगी, तो सोयाबीन तो उसके नीचे का है तो वो तो नीचे आ गया, और जो ऊपर की चीजें हैं वो उसके ऊपर रह गई, मट्टी हमारी यहां से ऊपर चली गई और जो लकड़ी है बड़े बड़े पत्थर हैं वो हमारे इसकी जाली के ऊपर से साफ हो गए। अब ये यहां से आकर यहां गिरेगा और गिरने के बाद में बाहर हो जाएगा। अब नीचे गिर गया सोयाबीन, ये नीचे 1.5 से 3 mm तक की जाली जो नीचे लगी रहती है, इससे क्या होता है बारीक जो छोटी छोटी मिट्टी है जो मतलब उसके ऊपर से नीचे तो आ गई, अब इसको जो है इसमें छोटी छोटी मिट्टी लगी रहती है वो जो है इससे छनती है, छनने के बाद क्या होता है नीचे जो क्लोज एरिया होता है यहां पर जो क्लोज एक ऐसा बना रहता है वहां पर नीचे गिरती है इसमें। अब ये भी नीचे खसकती ये भी यहां से बाहर हो जाती है। जो सोयाबीन है वो हमारा इसमें जो है मिट्टी यहां नीचे हो गई, ऊपर लकड़ी हो गया, बड़े बड़े पत्थर हो गए, सुतली हो गया, सब ऊपर रह गया। अब यहां क्या बचा प्योर साफ बिल्कुल हमारा सोयाबीन का सीड बचा, वो हमारा यहां से नीचे गिर जाएगा, मिट्टी यहां से हम बाहर कर लेंगे, लकड़ी यहां से बाहर कर लेंगे, ये हमारा लकड़ी का हो जाएगा, ये मिट्टी का हो जाएगा। ठीक, तो किस तरीके से प्रोसेसिंग हुई आपको समझ में आया। अब ये क्या करता है, यहाँ पे मोटर वो गियर बॉक्स लगा रहता है जो इसको वाइब्रेट करता है, उसमें ओवर वेट लगा रहता है डिसबैलेंस करके, अब वो ऐसे 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 मूविंग करता है, जैसे घरों में हम देखते हैं अपने घरों में काम करते हुए मतलब महिलाओं को सूप के द्वारा किसी तरीके से जैसे साफ करती हैं, उनको देख करके ये टेक्निक मतलब डेवलपमेंट कर दी गई जिससे सफाई हो रही है ना। तो पहली जाली कितनी होती है लगभग 10 से 12 mm की या 8 से 12 mm मान लीजिए आप, और दूसरी 1.5 से 3 mm तक की जाली सेकेंड वाली होती है जिसमें मिट्टी छनती है और नीचे क्लोज होता है जहाँ पर मिट्टी इकट्ठी होकर के यहाँ से बाहर हो जाती है, ऊपर से लकड़ी और वो सब बाहर हो जाता है। ठीक है, तो क्लीनर किस तरीके से काम करता है आपको आज ये पता चला। अब यहाँ से जो माल निकलेगा वो जो है अब कहाँ जाने वाला है, डिस्टोनर में, लेकिन डिस्टोनर में आपको क्या होता है, कैसे काम करता है, किस तरीके से उसमें कार्य होता है, वो जानने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि इसके बाद उसका वीडियो आएगा। समझ में आया आपको, प्रेप के मैं सभी साथियों से बोलता हूँ आपको समझ में आया क्लीनर किस तरीके से काम करता है, क्या क्या होता है। और हाँ, एक छोटी सी बात और मैं बता देता हूँ, जिसे बड़ी वाली जाली है ये जाम हो सकती है क्योंकि इसमें जो है बड़े बड़े लकड़ी आ रही है उसमें होल में फंस सकती है और बड़े बड़े पत्थर आ सकते हैं जो होल में अटक सकते हैं। इसके नीचे नीचे मतलब डबल उसमें होता है ऐसा नीचे नीचे जो है ऐसा नीचे नीचे इसमें जो है प्लास्टिक के बॉल पड़े होते हैं जो बराबर उससे टकराते रहते हैं और होल को साफ रखते हैं। कभी कभी आपको बॉल मिल जाएगा उसमें, अब उसमें आप सोच लेंगे यार ये बॉल क्यों डाला हुआ है ना, ये तो मुझे बताया नहीं गया। तो दोस्त बॉल का क्या है कि ये जो है इसलिए डाले जाते हैं ताकि वो जो ऊपर की जाली है वो साफ रहे, मतलब जाम ना हो जाए, बॉल जो है उसी में मूवमेंट करते हैं और उसको नीचे गिरने देते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि क्लियर क्या है, प्रेप में क्लियर कैसे काम करता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्त, आप प्रेप से जुड़े हुए हैं, सॉल्वेंट सिस्टम प्लांट से जुड़े हैं, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आप पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्त, जो जानकारी आपको कहीं नहीं मिली वो इस चैनल पर जरूर मिलेगी। अगर आपके दिल में कोई प्रश्न है तो जरूर प्रश्न आपका लिखिएगा, हम कोशिश करेंगे। अगर मुझे नहीं पता होगा तो मैं अपने एक्सपर्ट से पूछूंगा, अपने साथियों से पूछूंगा और आपको एक उचित सही जानकारी देने का प्रयास करूंगा। ठीक है दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।